असंख्य अर्थ भरे भरे रहते हैं। तो उसी प्रकार यहां हम लोगों ने जो देखा है अब तक मन्वंतर के तक, मन्वंतर का एक अर्थ हम लोगों ने देखा है कि कुछ नियमन बदल जाता है। मनु एक नियंता के रूप में ही माना जाता है, मनु राजा तो है ही, लेकिन एक दृष्टि से पहला मनु दूसरा मनु किसे पिता पुत्र अधिक होते हैं, इस प्रकार नहीं है। क्योंकि पहला मनु कहेंगे तो उसका मनवंतर बहुत सालों तक का है, दूसरे का बहुत सालों तक है। इस प्रकार अभी तक 27 मनु हो गए, अभी 28वां शुरू है। तो मनु का शब्दशः अर्थ जो है कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं है, ये एक समाज का नियमन है। और ये बात हम लोग भी समझ सकते हैं कि आज के जमाने में जो कुछ समाज में प्रचलित प्रथाएं होगी, जो नियम से समाज बांधा हुआ होगा, वही नियम अगले पीढ़ी के समय रहते नहीं है, कुछ बदलाव आ जाता है, उससे भी कुछ बदलाव आ जाता है। खाना पीना पहनना आचार विचार सब में बदलता नहीं, सिर्फ एक हर एक के जीवन में कभी ना कभी एक क्षण आ जाता है कि जिस क्षण सब कुछ छोड़कर मैं कौन हूं, इसकी खोज उसके मन में जागृत हो जाती है। तो ये जो है ये सभी हम इन महापुराणों के शब्दों में लक्षणों में देख सकते हैं, और वही माँ के लीला चरित्र में भी देख सकते हैं। अब यहाँ देखो ये ईशानु कथा है, ईश परमात्मा ईशति इति ईशा जो निमन करता है नियंत्रण करता है उसे ईश कहते हैं। माँ के लीला चरित्र में हम कई बार एक बात देख चुके हैं, कई बार उनका नियंत्रण पूरे विश्व के ऊपर है ही। ऐसी कौन सी भी बात छुट्टी नहीं है कि जो उनके नियंत्रण से अलग है, चाहे पंचमहाभूत हो, चाहे कोई मामूली व्यावहारिक बात हो, कोई विलक्षण रीति से चली हुई आई प्रथाएं हो, सबके ऊपर पूर्ण नियंत्रण मां का रहता था। आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी हो, और वो भी इतने विलक्षण रीति से। सामान्यतः जो रूढ़ भाव अपना रहेगा उससे बिल्कुल अलग। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा एक अनुष्ठान का आयोजन हुआ था, अर्थात उनकी श्रद्धा के अनुसार